नमस्कार किसान भाइयों, किसान न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चंडीगढ़ की मंडी से लाइव हैं और आपको लाइव अपडेट देने वाले हैं चंडीगढ़ की मंडी का। हालांकि आपको हिमाचल की मंडियों के रेट अपडेट भी जो है वो कुछ समय बाद किसान न्यूज पर मिल जाएंगे। रेट लिस्ट हम रोजाना जो है वो हिमाचल की मंडियों की डालते हैं, लेकिन आज जो है हम आपको चंडीगढ़ की मंडी दिखाने आए हैं। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर तरबूज काफी मात्रा में यहाँ पर है। और क्या बाजार है आज तरबूज का, उसी से शुरुआत करेंगे। चंडीगढ़ की मंडी में इस वक्त हम मौजूद है, 12 तारीख आज डेट है, तो हम जानते हैं यहाँ पे तरबूज क्या रेट चल रहा है जी। थोक जी 20 से 22 रुपए किलो, 20 से 22। खरबूजा भी आपके पास? नहीं, खरबूजा का रेट यही है जी, 30 से 35 रुपए किलो। बढ़िया खरबूजा 30 से 35 रुपए। पपीता क्या? पपीता है जी 30 रुपए किलो, 35। और केला क्या चल रहा है जी? केला जी होगा एकदम 4 रुपए 4.5 रुपए सैकड़े के हिसाब से, 400 450 रुपए सैकड़े के हिसाब से। और अंगूर वगैरह भी? अंगूर के बारे में और कौन सा आपके पास? बस जी, बस हमारे पास यही वगैरह कुछ नहीं जी, वहाँ आगे पता कर लो। चलो ठीक, तो चलिए साथियों, यहाँ पे फ्रूट की जो है वो अलग मार्केट है। हालांकि एक ही जगह पर ये सारी चीजें रहती हैं, लेकिन एक अलग कॉर्नर यहाँ पर जो है वो होलसेल के लिए दिया गया है फ्रूट के और सब्जियों के। तो चलिए आप फ्रूट का बाजार आपको दिखाते हैं। ये रिटेल आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेडियो पर जो है वो रिटेल भी यहाँ पर बिकता है, अगर आप रिटेल के लिए आना चाहते हैं। लेकिन होलसेल बाजार आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप पपीते की, यहाँ अलग एक मार्केट है जी जी। क्या रेट चल रहा है जी पपीता? कोई बात नहीं, ये बताएगा भाई, अपना नॉलेज नहीं है भाई, बताएगा क्या रेट चल रहा है भाई। कौन है यहाँ पे? मुंशी साहब इमरान जी, उधर तो आप देख सकते हैं यहाँ पपीते की पूरी मार्केट है। अलग अलग फ्रूट का अलग अलग व्यापारी यहाँ पर रहता है। आप पपीता क्या रेट चल रहा है भाई साहब? पपीता जी 20 रुपए किलो चल रहा है, बाकी किंग पपीता हमारे ये चाचा जी। अच्छा, हाँ जी, इनसे बात करो आप। अलग अलग वैरायटी है या एक ही वैरायटी है पपीते की? ताजा खाएंगे, वैरायटी अलग अलग है बहुत जी, अलग अलग है। कोई आपसे पपीता लेना चाहे तो कॉन्टैक्ट नंबर अपना और फोन नंबर? कॉन्टैक्ट नंबर चाचा पे है, मेरे पास नहीं है, वो बताएंगे। कौन से है? महबूब भाई। महबूब भाई कौन से वाले बताएंगे जरा? तो आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पूरी की पूरी मार्केट जो है वो पपीते की है। कहाँ है मेहू भाई? कहाँ है? सो रहे हैं। ओके, ये देख सकते हैं आप, पका पपीता, कच्चा पपीता, ये सारी वैरायटीज है। 20 22 25 तक का बाजार है। भाई साहब पपीता का बाजार क्या चल रहा है आपके पास? ये 15 रुपए चल रहा है, 12 रुपए 15 रुपए। हाँ, 2 नंबर। ये क्या वजह है, ये सस्ता क्यों है? ये दागी हो गया। अच्छा, ये थोड़ा खराब है। हाँ जी। ओके, और वैसे बढ़िया पपीता क्या रेट चल रहा है? बढ़िया पपीता 25 रुपए। 25 रुपए। अलग अलग रेट है वैरायटी? हाँ, अलग अलग रेट है, सब अलग रेट है। कोई आपसे खरीदना चाहता हो तो उसके लिए संपर्क आपका और फोन नंबर? फोन नंबर आ जाओ, ले जाओ जब मर्जी, ले जाओ जब मर्जी, ले जाओ। अगर कोई आपसे, इतना मंडी है, जितना मर्जी मंगा लो। हाँ, कोई जानकारी लेना चाहे कोई मंडी को लेकर आपसे, तो उसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर आपका? कॉन्टेक्ट नंबर कुछ नहीं, आओ मंडी मान लो, बात खत्म। चलिए, नंबर इतना समय नहीं होता है, नंबर वाला कोई काम नहीं। हमको भी करेगा रिकॉर्डिंग की? कितने सालों से कर रहे? हम कर रहे हैं 15-16 साल से। अच्छा, हाँ जी। कैसी है चंडीगढ़ की मार्केट? चंडीगढ़ की मार्केट बहुत अच्छा है जी, मगर पलेदारी नहीं बढ़ रहा। पलेदारी नहीं बढ़ रहा? हाँ बढ़ रहा। अच्छा, तो इस बारे में बोलना था ना? हाँ हाँ, इसमें बढ़ना चाहिए पलेदारी। कब बढ़ेगा बोलिए? एपीएमसी वालों को पूछा नहीं आपने कभी? अरे हम तो क्या पूछेगा, तुमने पूछेगा कि कैसे बढ़ेगा, हम तो पूछ ही रहे हैं उससे। हम पूछेगा तब कौन पूछेगा, हम तो बोलिए दिए उसको। जब तुम ही नहीं पूछेगा तो हम क्यों पूछेगा, तब बढ़ाइए उसको, बोलिए। चलो ठीक है ठीक है। चलिए भाई, वो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मस्ती मजाक। यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी वाले परेशान हैं कि उनकी दिहाड़ी नहीं बढ़ रही है। तो सेब का यहाँ पर आप देख सकते हैं काम है, फ्रूट की और बड़ी मार्केट में हम पहुंचे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या फ्रूट मिलते हैं और उनके क्या क्या बाजार देखने को मिलते हैं होलसेल में। तो काफी कुछ आइटम यहाँ पर देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं अलग अलग वैरायटी। ड्रैगन फ्रूट भी यहाँ देखने को मिल रहा है। एक मिनट मुंशी साहब, आप ही
सर किसान न्यूज पर पहले तो आपका स्वागत है। जी जी। होलसेल रेट लेने हम चंडीगढ़ मंडी में आए हैं, तो क्या बाजार चल रहा है फलों का जो जो आपके पास अवेलेबल है? जैसे आपके पास ये कीवी है, कीवी मेरे ख्याल दो वैरायटी है आपके पास। जी जी, इम्पोर्टेड है, एक लोकल है इसमें। और रेट का क्या है? 600 और 500। डिफरेंस क्या रहता है इम्पोर्टेड और लोकल में? इम्पोर्टेड का है ना, ये तो बढ़िया नंबर वन चीज होता है, ये थोड़ा लोकलिटी में आ जाती है। अब पहले तो आप अपना नाम, अपना फोन नंबर और अगर मोबाइल नंबर भी आप देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर भी बता दो। हमारा दिल्ली फ्रूट कंपनी है, ठीक है, मोबाइल नंबर है 9815284291। तो कोई भी आपसे खरीद सकता है या आपके पास अगर बेचने के लिए आना चाहे कोई किसान? हाँ जी, हाँ जी सर, जी जी जी। अच्छा, ये आम क्या रेट चल रहा है जी, और कौन सी वैरायटी है ये? मैंगोज देखो, ये है हम आम, आम बोलते हैं इसको जी। इसका 2021 रुपए रेट है जी। अल्फेंजो है, अल्फेंजो 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए है, ठीक है, अप्रोक्सी रेट होता है सर। अभी ये पेरी आम है, इसका 1000 रुपए से 1200 रुपए तक रेट है। और ये इम्पोर्टेड ही लग रहा है मुझे सारा। हाँ, आइटम ज्यादा कुछ जी जी इम्पोर्टेड। हाँ जी, एप्पल, एप्पल भी इम्पोर्टेड है ये। एप्पल का रेट है 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक, जो इम्पोर्टेड है। और इंडियन अपना रेट है 1000 से लेकर 1200 रुपए तक। ये जो कलर कम है शायद ये? हाँ, ये इंडियन है अपना, 1000 से 1200 रुपए तक। और ये वाली वैरायटी आम की? ये मैंगोज है, 1200 रुपए का है, सफेद आम होता है जो साउथ का। पैकिंग कितनी की है? पैकिंग 10 केजी। 10 केजी, हाँ जी। और ये वाला आम? ये सिंदूरी आम है, रत्नागिरी का आम होता है, महाराष्ट्र का। इसका भी रेट 1500 से 1600 के बीच में। ये पाइनएप्पल है, इसका भी 600 से 700 रुपए तक का रेट है, रानी पाइनएप्पल बोलते हैं इसको। हाँ जी, ये 600 से 700 बॉक्स? जी जी, पर बॉक्स। ये 20 किलो का है? 20 नहीं, ये 12 से 13.5 किलो वजन होता है। 12 से 13.5 जी। केला भी आपके पास पैकिंग में आ रहा है? नहीं नहीं, ये पाइनएप्पल ही लगा, केला नहीं। अच्छा, ये पाइनएप्पल। जी जी, ओके। इसको चाहिए है? अंगूर, अंगूर क्या रेट चल रहा है? अंगूर 900 रुपए का पर क्रेट है, 90 रुपए किलो मान के चलो। हाँ जी, हाँ जी। और इश्तेदार क्या वैरायटी है इधर सामने जो? खरबूजा बोलते हैं इसको। हाँ, ये 500 रुपए का बॉक्स है, 50 रुपए किलो हो गया। स्ट्रॉबेरी क्या रेट चल रही है? स्ट्रॉबेरी 250 से 400 रुपए तक। 250 से 400। ये सेल प्राइस है या फिर परचेजिंग प्राइस है? ये सब परचेजिंग प्राइस है, होलसेल रेट है ये। होलसेल रेट? जी जी। अगर कोई फार्मर आपसे स्ट्रॉबेरी आपको बेचना चाहता है तो वो? हाँ बिल्कुल जी, सब कमीशन पे काम होता है। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू। तो साथियों, ये कॉन्टेक्ट नंबर भी हमने शेयर कर दिया है। ड्रैगन फ्रूट भी आपके पास है? ड्रैगन फ्रूट जी 750 रुपए का है। ये एक पीस 750? नहीं, ये बॉक्स का रेट है, 20 पीस होता है, क्वांटिटी 20 पीस। नाशपाती? नाशपाती है 2200 रुपए से 2300 रुपए के बीच में, 12 से 13 किलो वजन होता है इसका। ये सारे इम्पोर्टेड आइटम है ना। खजूर वगैरह भी है आपके पास? हाँ, सब इम्पोर्टेड है ये जी। और कोई ऐसी आइटम जो फ्रूट में आपके पास हो? हमारा यहाँ मौसमी वगैरह का काम चल रहा है। तो मौसमी, मौसमी क्या रेट चल रही है? मौसमी चल रहा है इसमें 60 से 65 रुपए किलो। 60 से 65? हाँ जी। चलिए, थैंक यू। आपका विजिटिंग कार्ड भी कोई हो अगर हम भी रख लें अपने कांटेक्ट का भी, आपसे पूछने हो कुछ? अभी है नहीं, ऑफिस में पड़ा। ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैं लाइव के बाद आपके पास आता हूँ। तो साथियों, फ्रूट के हमें मैक्सिमम रेट यहाँ पर मिल चुके हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे का बाजार, क्योंकि अभी वे फ्रूट मार्केट है सारा, आपको दिखा दूँ एक बारी। यहाँ टोटली जो है वो फ्रूट का काम आप देख सकते हैं। सब्जियों का काम अंदर की तरफ होता है जहाँ हमने आपको दिखाया है। तो सब्जियों के रेट के लिए भी आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक आज चंडीगढ़ की मंडी पहुंच सके। भाई, अनार क्या रेट चल रहा है? अनार ये 55 रुपए किलो। 55 रुपए किलो, ये होलसेल रेट है या होलसेल? होलसेल। ओके, आपकी शॉप है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? महेंद्र। महेंद्र जी, शॉप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर भी आप शेयर कर दे ताकि कोई संपर्क करना चाहे। शॉप नंबर 9, कॉन्टेक्ट नंबर 62-83-50-56-47। तो किसी भी तरह के सामान के लिए आपसे कोई कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक होगा। चंडीगढ़ की मंडी कैसे चलती है, कैसे कोई पहुंच सकता है, कोई किसान अगर यहाँ माल बेचना चाहे तो वो कैसे आ सकता है? सर, इसके लिए तो आप टाइम पे आ सकता है, सुबह सुबह 4 बजे आना पड़ेगा यहाँ पे। सुबह 4 बजे? हाँ जी। मतलब किसान को सुबह 4 बजे? 4 बजे गाड़ी लगानी पड़ेगी। 4 बजे तो मंडी शायद बिकना शुरू हो जाता है माल? हाँ, तो 4 बजे गाड़ी यहाँ कम से कम टाइम में, इससे ज्यादा लेट होगा फिर माल मंदा बिकेगा। हाँ, मंदा बिकेगा। हाँ जी। नहीं, शाम को मेरे ख्याल 7-8 बजे के बाद कभी भी माल लेके आ सकता है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि रात में सारा माल बिकना शुरू हो जाता है। 11-12 बजे रात में 11 बजे के बाद शुरू हो जाता है, 11 बजे के बाद मंडी शुरू हो जाती है। हाँ जी। कितना माल आता है, कितनी खपत रहती है यहाँ पर, क्या सिस्टम रहता है? अनार तो बहुत ही 5 गाड़ी डेली बिकता है यहाँ पर।
कमीशन सिस्टम क्या रहता है यहाँ पर? अगर कोई यहाँ से आपसे खरीदना चाहता है तो कितने परसेंट कमीशन लगती है? 7% यहाँ कमीशन लगता है। 7% लगता है। चलिए थैंक यू। तो 7% कमीशन जैसा कि भाई साहब ने बताया और हम पहले भी आपको ये बता चुके हैं, और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक आरती जो है वो अलग अलग आइटम लेके बैठा है यहाँ पर फ्रूट की। इसी तरह से हम अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में भी हमें बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलता है कि कुछ व्यापारी जो है वो अलग आइटम बेचते हैं और कुछ व्यापारी अलग। आप देख सकते हैं पाइनएप्पल की यहाँ पर जो है वो अलग मार्केट है। भाई साहब पाइनएप्पल क्या रेट चल रहा है? तो होलसेल रेट भाई साहब सुल्तान भाई पाइनएप्पल क्या होलसेल रेट चल रहा है? क्या रेट में हुआ ये होलसेल रेट क्या चल रहा है? 1000 रुपए। 1000 रुपए कितने पीस? 20 पीस। तो पाइनएप्पल जो है वो 1000 रुपए के 20 पीस आप देख सकते हैं यहाँ पर। पाइनएप्पल नहीं है, माफ कीजिए, नारियल के कच्चा नारियल जो है, कच्चा नारियल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और सब्जियों का बाजार आपको दिखाते हैं अब, क्योंकि फ्रूट की हमने मैक्सिमम मार्केट कवर कर ली है और कॉन्टैक्ट नंबर भी आप तक पहुंचा दी है। अगर आप जो है संपर्क करना चाहते हैं इस मंडी के आढ़तियों से तो वो आपको हमने कॉन्टैक्ट भी प्रोवाइड किए हैं। आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको सब्जियों का बाजार यहाँ की। अलग अलग रंग, अलग अलग रूप इस मंडी का। ये मैं बाहर की तरफ से आज जो है वो मंडी में प्रवेश किया है, हालांकि अंदर की तरफ जो शेड मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ वो ये शेड रहता है जहाँ पर सब्जियों का ही काम चलता है। पहले टमाटर से शुरुआत करेंगे क्योंकि टमाटर की मार्केट यहाँ पर जो है वो लगती है। तो देखते हैं टमाटर हमें आज यहाँ पर क्या बाजार भाव जो है वो मिलने वाला है थोक रेट। इससे पहले यहाँ पर धनिया देखिए आप, धनिया का जो है वो पूरा स्टॉल लगा है, यहाँ पर गुच्छियाँ लगी हैं। तो देखते हैं धनिया क्या रेट चल रहा है। धनिया भाई धनिया क्या रेट चल रहा है? 11 रुपये गुच्छी चल रही है थोक। 10 रुपये गुच्छी। 10 रुपये गुच्छी। हाँ जी थोक रेट है 10 रुपये। हाँ नहीं खुला रेट परचून 10 रुपये गुच्छी परचून का है। हाँ जी थोक का क्या है? पूरी गांठ का रेट क्या है? थोक का 8 रुपये। 8 रुपये। हाँ जी चलो थैंक यू। बस आपके पास यही है धनिया? धनिया जी धनिया। पालक? पालक ही 10 रुपये गुच्छी चल रहा। ये रिटेल? हाँ खुला। अच्छा और अगर ये पूरी गांठ लेनी हो? 7 रुपये गुच्छी। 7 रुपये चलो। तो ये टमाटर के मार्केट में टमाटर आज यहाँ पर क्या बाजार हमें देखने को मिलेगा? कौन बेच रहा है जी टमाटर? टमाटर क्या रेट चल रहा है जी? टमाटर 400, 500, 800 अलग अलग क्वालिटी, जैसे क्वालिटी वैसे रेट है। ये वैरायटी क्या रेट चल रही है? ये वैरायटी 400 रुपये बिक रहा है जी। 400 रुपये जी। हाँ जी बोलिए जी। ये वैरायटी क्या रेट चल रही है? ये 700 रुपये का रेट है। 700 रुपये? हाँ 700 रुपये 25 किलो माल है। ओके ओके। 800 वाला है। 800 वाला कौन सा है? ये कहाँ का माल है? ये 800 रुपये कहाँ का माल है? ये नासिक से। अच्छा रेट तेज हो गए टमाटर के? पिछली बारी जब आए थे तब तो 400-450 था। पहले बिक रहा था 400-450। हाँ क्या क्या वजह है रेट क्यों बढ़ा है? तेज क्यों हुआ है रेट? तेज इसलिए हो कि फसल कम होगा तो तेज होना ही होना है। तेज होना ही होना है। अच्छा चलिए फसल कम तो आप देख सकते हैं बजट। ये टमाटर क्या रेट चल रहा है? ये टमाटर 800 रुपये का रेट है। 800 रुपये का रेट जी। ओके काफी तेज हो गए हैं रेट। हाँ जी आज से हुआ तेजी। हाँ आज से हुआ तेज, कल तक 600 था। 600 था। हाँ आगे और बढ़ेगा अब कोई पता नहीं लगता भाई जी क्या होगा। बढ़ भी सकता है घट भी सकता है जी। टमाटर आपके पास कोई किसान आना चाहे तो कॉन्टेक्ट नंबर और फोन नंबर आप बता दें। नहीं हम लोग किसान वाले से नहीं लेते, हम आरती से लेते सीधे। हम आरतियों से लेते हैं जी। अच्छा अंदर है आरती कहाँ? ये इधर चलिए। अच्छा आप परचून में बेच रहे हैं यहाँ पर? परचून का काम है आरती। अच्छा आप है सर? सर आज टमाटर क्या रेट चल रहा है जी? होलसेल रेट 750-750 तक का है।
अच्छा, कोई किसान अगर यहाँ पे माल बेचना चाहे, टमाटर लेके आना चाहे, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? तो उनका पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जी, और आते रहते हैं कोई बाहर का, और जैसे हिमाचल की मैं बात करूँ या फिर और जगहों से भी कोई अगर किसान आपसे डायरेक्ट संपर्क करना चाहे तो कॉन्टैक्ट नंबर और फोन नंबर आपका होता है? हाँ जी, क्रेडिट कार्ड वगैरह अपने बनाए होते हैं ना उन्होंने जी जी, उससे मोबाइल नंबर और फंड नंबर बता दीजिए आप। 15 नंबर है। 15 नंबर, और मोबाइल नंबर आपका? मोबाइल नंबर 9875000815। अच्छा, टमाटर लगातार बढ़ रहा है, क्या वजह है टमाटर के रेट? पीछे में बाजार थोड़ा कम बढ़ रहा है, सब माल जो पीछे से कम आ रहा है जी, उस करके यहाँ पे सीजन खत्म हो रहा है, मतलब टमाटर का जहाँ जहाँ पे चल रहे हैं वहाँ पे तो खत्म हो रहा है और अगली जगह शुरू नहीं हो रही है। हिमाचल का टमाटर शुरू होने वाला है, तो हिमाचल के टमाटर को कैसा रेट मिलने की उम्मीद है आगे, कुछ आइडिया आपको इस बारे में? वो बाजार के हिसाब से होता है, वो वैसे तो उनका रेट ठीक ही होता है, फिर भी जी। हाँ, थैंक यू सर। तो 750 तक का बाजार है आज आपके पास? ये भी एकदम बड़ा है जी। हाँ, पिछले कल 600 तक का बाजार था। हाँ जी, हाँ जी, 550-600 तक। आज माल मार्केट में कम कम है, उस करके रेट थोड़ा आपको रातों रात 100-200 रुपए की बढ़ोतरी। चलिए, थैंक यू। तो साथियों, यहाँ परचून और होलसेल एक साथ रहता है, इस वजह से थोड़ी परेशानी जरूर रहती है कि कौन परचून यहाँ पे कर रहा है, कौन होलसेल। चलिए अंदर की तरफ जाते हैं शेड में, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम होलसेलर बैठे हैं और यहाँ से पता करते हैं आज का बाजार। ये होलसेल शॉप है, ये परचून का होलसेल। आपके पास क्या क्या आइटम है? मेरे पास बैंगन है, खीरा है। बैंगन क्या रेट होलसेल आज? बैगन भैया 15 से 20। 15 से 20। और खीरा? खीरा 10-8। और ये कैसे? 70 है। और ये क्या रेट चल रहा है? ये 17-18 रुपये भी चल रहा है। 17-18 रुपये। और इसके अलावा कोई और सब्जी आपके पास? नहीं, बस इतना ही था। बंद गोभी थी। बंद गोभी, बंद गोभी क्या रेट चल रही है? बंद गोभी 10-12 रुपये। 10-12। कहाँ से माल आ रहा है जी? किसानों से आ रहा है, मलेरकोटला से आ रहा है। मलेरकोटला से? हिमाचल से भी माल आता है आप लोग? नहीं, अपने पास नहीं, उधर आता है। थैंक यू। तो भाइयों, ये कुछ एक आइटमों के रेट मैंने सब्जियों के दिए हैं, देखते हैं आगे और कौन सी आइटम हमें देखने को मिलती है और क्या बाजार उसका देखने को मिलता है। आप वीडियो को साथ साथ शेयर करते रहें और होलसेल बाजार हम आपको दिखाने वाले हैं। आप भी अगर इस मंडी में माल बेचने आना चाहते हैं तो आप शाम को जो है 7-8 बजे के बाद कभी भी आ सकते हैं, अगर आप किसान हैं तो। 11 बजे, रात 11 बजे के बाद मंडी जो है वो यहाँ पर माल बिकना शुरू हो जाता है, और आप खरीदना चाहते हैं यहाँ से माल तो आप रात 11 बजे के बाद कभी भी आ सकते हैं। तो देखिए, गोभी का यहाँ होलसेल मार्केट है, मैं इनसे जानता हूँ। सर, सर आप आरती है यहाँ पे? कौन सा जो बैठे हैं? तो शिमला मिर्च आप देख सकते हैं यहाँ पर, शिमला मिर्च का वजन किया जा रहा है। सर, किसान न्यूज पर स्वागत है आपका। सर, आज शिमला मिर्च का होलसेल क्या चल रहा है जी बाजार? सर 22-23। 22-23 रुपये। रेड येलो भी आती है आपके पास? नहीं, हमारे पास नहीं आती। शिमला मिर्च के अलावा और कौन सी सब्जी आती है? फिलहाल यही शिमला मिर्च आ रही है। शिमला मिर्च ही आ रही है। थैंक यू सर। फूल गोभी तो नहीं आपके पास? है, तो हल्के वाली है, तो 7-8 रुपये है। बढ़िया वाली 14-15 रुपये। 14-15 तक पड़ी है। आपसे कोई संपर्क करना चाहे, कॉन्टैक्ट नंबर आपका? हेलो, शॉप नंबर 15 है, कॉन्टैक्ट नंबर 9872500815। मिस्टर रमेश चावला जी, यही वाला। तो ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर और फोन नंबर मैंने बता दिया, 15 नंबर शॉप इनकी है। अगर आप भी यहाँ पर किसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, संजय जी इनका नाम है। और चलिए, इनके पास शिमला मिर्च का यहाँ पर काम है। लहसुन का हम आपको बाजार दिखाते हैं, यहाँ पर लहसुन का बाजार हमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि लहसुन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसका क्या मार्केट यहाँ पर है वो भी हम जानकारी आपसे लेते हैं, इनसे लेंगे। पर फिलहाल मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कहाँ से इन तक अप्रोच किया जाए, देखते हैं। नई जगह पर हैं तो इसीलिए थोड़ी सी परेशानी भी जरूर रहती है। कौन है जी यहाँ पर? भाई, लहसुन क्या रेट चल रहा है आपके पास? ये 18-20-25 थी, 18-20-25 रुपये। 18-20-25। बढ़िया क्वालिटी का अगर हो तो 35-40। मैक्सिमम 35-40।
लहसुन आज के बाजार कुछ अच्छा रहने की उम्मीद है और बढ़ने की उम्मीद अभी बनेगी बाजार। हिमाचल का लहसुन तैयार होके आने वाला है, हिमाचल के लहसुन की कैसी डिमांड रहती है? डिमांड ठीक रहती है। ये फंड नंबर कौन सा है, कॉन्टेक्ट नंबर? 16 नंबर। ये जो ऊपर है हाँ जी, चावला ट्रेडिंग कंपनी। कोई अगर माल बेचने या खरीदने के लिए आपसे संपर्क करना चाहे तो कॉन्टेक्ट नंबर? हाँ है कॉन्टैक्ट नंबर जी। आप कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे? 9501591725। चलिए थैंक यू सर किसान न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो ये है लहसुन का, आप लहसुन में ही करते हैं या फिर प्याज वगैरह भी? प्याज वगैरह का भी रहता है आपका? प्याज पीछे है। ओके, तो चलिए साथियों और क्या कुछ बाजार हमें देखने को मिलता है। कद्दू मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो देखते हैं कद्दू का बाजार यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। खीरा 10 रुपए, कद्दू भी आपका है सर? कद्दू क्या बाजार चल रहा है? 9 रुपए। कद्दू क्या बाजार चल रहा है जी आज? कद्दू सर मंदा है जी, 8-9 रुपए किलो चल रहा है। 8-9 रुपए, हाँ जी। क्या बात, मंदा ज्यादा आ गया मार्केट में? हाँ मंदा ज्यादा है। कोई और वजह? नवरात्रों के कारण बस। कद्दू कहाँ से आ रहा है जी, कौन सी है? कद्दू लोकल भी स्टार्ट हो गया है, वैसे राजस्थान से भी आ रहा है। राजस्थान, हाँ जी। हिमाचल की फसल आपके पास कब आना शुरू होती है? हिमाचल का 1-2 महीने बाद हो जाएगी स्टार्ट। 1-2 महीने बाद शुरू हो जाएगा। और कौन कौन से स्टेट से आपके पास माल आता है? उत्तराखंड से आता है? नहीं, अभी उत्तराखंड का कटल वगैरह चलता है, वो अभी चला नहीं है, वो लेट चलेगा अभी। और कौन से आइटम डील करते हैं? घिया, करेला, कद्दू, खीरा। करेला क्या रेट चल रहा है? करेला 40-50 रुपए। और घिया? घिया 14-15 रुपए किलो। 14-15। इसके अलावा कोई और आइटम आपके पास? बस फिलहाल तो ये चल रहा है। यहाँ ज्यादा नहीं, 2-2-3-3 नाइट में ही डील करते हैं होलसेल में? हाँ हाँ, 4-5 नाइट में होती है। कॉन्टेक्ट नंबर आपका, फंड नंबर आपका? हाँ है, एक कार्ड दे 7087087133। और फंड नंबर आपका? वो भी लाइसेंस नंबर है, वो बता देंगे आपको, अपी भी लिखा हुआ है। चलिए साथी, फूल गोभी, फूल कौन डील कर रहा है यहाँ पर? फूल गोभी वो बैठे सामने। फूल गोभी, फूल गोभी क्या रेट चल रहा है आज होलसेल रेट? 25 रुपए। 25 रुपए। इसके अलावा बंद गोभी भी करते हैं? बंद भी आती है अपने पास। बंद गोभी क्या रेट है आज? 10 रुपए किलो रेट खोला है उसका। 10 रुपए। और कौन सी आइटम रहती है सब्जियों में आपके पास? खीरा खुरा होता है। खीरा क्या रेट चल रहा है? 12-13। चलिए, यहाँ प्याज, प्याज और आलू के कौन है डीलिंग? 22 नंबर पे है। 22 नंबर आगे। चलिए, तो देखिए 10 रुपए यहाँ पर धनिया बिक रहा है, हालांकि ये परचून का रेट है जैसा कि हमें पीछे साथी ने बताया था। भाई मेथी क्या रेट चल रही है? मेथी भाई साहब, मेथी कोई नहीं पूछ रहेगा, धनिया 10 का बेच रहे, इतना बड़ा ढेर रहेगा, बहुत मंदा पड़ा है। धनिया ज्यादा आ गया? हाँ जी, मार्केट में ज्यादा आगे, मार्केट डाउन हो गई है। डाउन हो गई। हाँ जी। और ये अपना पालक? पालक भी 10 के बेच रहे हैं, 8 के बेच रहे हैं, 9 का, जैसे भी ग्राहक लग रहे हैं देर जा रहे हैं। तो दोनों का रेट आज डाउन? हाँ, दोनों का रेट डाउन है। 10 रुपए। चलिए देखिए, गाजर यहाँ पर है, गाजर का बाजार देखते हैं, गाजर का बाजार हमें क्या देखने को मिलता है। गाजर, बैंगन, मतलब गाजर बैंगन क्या रेट चल रही है? गाजर 10 रुपए किलो जी, और बैंगन 15-16 रुपए किलो। एक चूचू बैंगनी होती है छोटी, वो भी 15-16 रुपए किलो। आज गाड़ी थोड़ी लेट आई है, बाजार डाउन हो गया है जी। फंड नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर आपका? फंड नंबर 2222। आपके पास आलू प्याज भी रहता है जी? आलू प्याज अपने भाई साहब के साथ रहता है जी, इधर अपने बाबूजी उधर खड़े हैं जी। बाकी कॉन्टेक्ट नंबर आपने बता दिया? 9851-78-812। चलिए, 81-400-92-07 लेबल भी दिखा देता हूँ आपका। चलिए आलू प्याज होलसेल, आलू प्याज का क्या प्याज का रेट चल रहा है? प्याज 14 रुपए से लेकर 18 रुपए किलो तक जी। 14 से 18। हाँ जी। ये कौन सा प्याज चल रहा है? नासिक का और रांगड़ा। नासिक का और कोई वैरायटी है प्याज में या फिर सिर्फ? अभी फिलहाल तो यही आलू।
आलू 10 रुपए से लेके 13 रुपए किलो तक जी। 10 से 13, ये कौन सी वैरायटी चल रही है? जलंधर वाला लोकल और आगरा, यूपी का आगरा का जो आलू चलता है वो क्या रेट चल रहा है? वो कम से कम 12 रुपए किलो जी। 12 रुपए। आगरा का जो आगरा की लोकल मार्केट में है वो कल मुझे एक कॉल भी आया था तो 1400 रुपए क्विंटल वहाँ पे बिक रहा है। सर वहाँ बिकता होगा, यहाँ मार्केट में है नहीं। यहाँ मार्केट नहीं, यहाँ मार्केट नहीं, मतलब यहाँ यही रेट बिके, यहाँ यही रेट बिकेगा जी। फोन नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर? सामने 22 नंबर। तो 22 नंबर ये फंड है और कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें आपको दिया गया है, तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो। ये क्या चीज़ है? ड्रम स्टिक। ये क्या रेट बिक रही है? ये 30 से 40 में बिक रही है। 30 से 40 रुपए किलो जी। ये जो लोबिया होता है से उसी तरह का कुछ वैरायटी? नो, ये उससे बढ़िया वाली होती है, ये बाहर से गुजरात से होती है, गुजरात में होती है, वहाँ से आती है। ये होटलों के लिए जाती है स्पेशल या फिर आम मार्केट में भी बिकता है? मार्केट में भी बिकती है। तो एक नई आइटम देखिए आप, ड्रम स्टिक 40 से 45 रुपए किलो का रेट इसका। साथियों कमेंट के माध्यम से लिखिएगा आपको जो भी रेट चाहिए वो हम आपको बताएंगे। रेड येलो यहाँ पर देखने को मिली है, देखते हैं रेड येलो का यहाँ पर बाजार क्या मिलता है। हालांकि इतनी फ्रेश मुझे नहीं लग रही है, ग्रेड इसका जो है वो लो लग रहा है, देखते हैं क्या रेट चल रही है जी। रेड येलो 180 रुपए। 180 रुपए? हाँ जी। वरायटी तो काफी लो लग रही है इसकी। वरायटी है भैया, वरायटी हल्की हल्की वरायटी लग रही है। दो वरायटी की होंगी वो वरायटी क्या रेट है? और 200 रुपए के लगे। 200 रुपए? हाँ जी। और कुछ ही रेट तो नहीं लगा रहे? नहीं, सही सही रेट बता रहे हैं। सही रेट बता रहे हैं, फिक्स रेट। ओके। तो चलिए साथियों, ब्रोकली भाई, ब्रोकली कौन कर रहा है यहाँ पर? ये ब्रोकली ब्रोकली ये ब्रोकली क्या रेट है? ब्रोकली सबसे बढ़िया ब्रोकली टाइम बिक रही है 70-80-90। 70-80-90 जी। और भी कोई ऐसी आइटम है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास रेड येल्लो है, रेड येल्लो बढ़िया बिक रही है 170 रुपए, 80 रुपए, 160 रुपए। हाँ जी, हाँ जी, चलिए थैंक यू। तो चलिए साथियों, तेज मिर्च का रेट हमने नहीं लिया है अभी तक का, तेज मिर्च का बाजार भी देखते हैं, तेज मिर्च का बाजार क्या चल रहा है। तेज मिर्च क्या रेट है भाई? तेज मिर्ची 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो। और मटर? मटर बढ़िया मटर है, 70 से लेकर 60 रुपए। 70 से लेकर 60 रुपए 60 से 70 मटर। ये परचून का रेट है या होलसेल का? ये होलसेल का। होलसेल? हाँ। अच्छा, मटर काफी तेज हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए तो साथियों, मटर का बाजार जो है वो 65 से 70 के बीच आज चंडीगढ़ का है, जैसा कि ये भाई हमारे को बता रहे हैं यहाँ पर। चलिए मूली की मार्केट यहाँ पर देखिए, देखते हैं मूली का बाजार यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। मूली का होलसेल रेट क्या है आज का? मूली होलसेल 7-8 रुपए बिक रहे हैं। हाँ जी, 8-10 रुपए। 8-10 रुपए। और कौन सी आइटम रखते हैं आपके पास? मूली ही। चलिए 8-10 रुपए का रेट मूली का यहाँ पर है, जैसा कि भाई हमें बता रहे हैं। मटर हालांकि देखने को नहीं मिली, लेकिन एक भाई यहाँ पर जरूर 60-70 के बीच का रेट बता रहे हैं मटर का। काफ़ी ज़्यादा रेट बता रहे हैं मुझे लगता है, क्योंकि इतनी मार्केट मुझे लगती नहीं है। हालांकि बता रहे हैं तो शायद कुछ ना कुछ इसमें सही होगा, जानकारी कहीं और से भी लेने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं मटर का बाजार जो है वो यहाँ पर क्या है। मटर का काम कौन करता है यहाँ पर? होलसेलर कौन है मटर का? कोई भी नहीं है, पता नहीं है। ओके, चलिए किसी रिलायबल पर्सन से पूछते हैं जो हमें सही जानकारी दे दे यहाँ पर मटर के बाजार की। हाँ जी मुंशी साहब, यहाँ मटर का काम कौन करता है? मटर का 5 नंबर पे जाता है। 5 नंबर कहाँ है? उस तरफ। यहाँ का स्टोर है 22 नंबर पे। 22 नंबर पे सर। चलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई और हमें सब्जी यहाँ पर देखने को मिलेगी तो आप तक उसका बाजार रेट जो है होलसेल का वो पहुँचाने का प्रयास हमारा रहेगा।
मटर का फिलहाल हम मार्केट जाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या है। पांच नंबर फड़ है, पांच नंबर फड़ पे मटर का काम होता है जैसा कि हमें भाई ने बताया। हाँ जी सर, आज क्या क्या बाजार चल रहा है जी? काली गड्ढा अदरक अरबी भी यहाँ पर देखने को मिली है और चुकंदर इसके अलावा यहाँ पर है। देखते हैं इसका बाजार यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। कौन है यहाँ पे भाई साहब? भाई साहब ये अरबी क्या रेट चल रही है जी होलसेल? यही है 7-8 रुपए। 7-8 रुपए। और ये चुकंदर है शायद, नहीं बिक रहा है, 4-5 रुपए बिक रहा है। ये थोड़ा सा ओवर साइज लग रहा है। हाँ ओवर साइज। और ये अरबी, ये वाली अरबी लोकल 3-4 रुपए में पूछ रही है। देखो अच्छा ये क्या वजह है जी? साइज साइज नहीं है, नहीं इसमें कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। और अदरक, अदरक क्या बाजार चल रहा है जी? महू अदरक देख लो क्या है, नंबर 2 अदरक है। इसका क्या है, तो उक्का बिक जाए अभी तब भी ठीक है नहीं अदरक है। और ये यही है वो 8-10 रुपए है नहीं, इस बार नया अदरक अगर हो तो वो क्या बाजार चल रहा है जी? नया अदरक तो यही है 32-33 रुपए। 32-33। मटर का काम करता है कोई यहाँ पे जो 5 नंबर वाले? नहीं नहीं मटर का नहीं। मटर क्या रेट चल रहा है होलसेल अगर कुछ पता नहीं है? मतलब कई किस्म में आते हैं ना, कई किस्म में आती हैं, कोई हल्के आते हैं, कोई भारी आते हैं, क्या रेट बता सकते हैं? कुछ नहीं है उसका मटर। यहाँ कोई व्यापारी नहीं है जो मटर का काम कर रहा हूँ? 5 नंबर मुझे बताया था, उधर ही करते हैं मटर का काम, इधर नहीं आ रहे। बस हाँ जी, नींबू ज़्यादा महंगा। नींबू कहाँ है? नींबू का, नींबू के होलसेल वाले कहाँ बैठे हैं? यहाँ मटर का काम कौन करता है? मटर का भाई नंबर 1 नंबर। तो चलिए साथियों, फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। कुछ एक चीज़ें जो हमें पता चली हैं वो मैं आप तक पहुँचा चुका हूँ। और सोलन की मार्केट की तरह यहाँ पर थोड़ा आसान नहीं है रेट पता करना, जानकारी लेना, क्योंकि यहाँ पर हर एक आड़ती जो है वो टोटल आइटम नहीं रखता है। तो ये एक बड़ी वजह रहती है, यहाँ पर रेट पता करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको पूरी की पूरी मंडी जो है वो घूमनी पड़ेगी, तब जाकर आपको जो है मंडी के मार्केट के रेट पता चलेंगे क्या होलसेल बाज़ार चल रहा है। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम यहाँ पर रहता है। भाई मटर का काम करता है कोई यहाँ पर होलसेल का? 36 नंबर। आपके पास कौन सी कौन कौन सी आइटमें रहती है? कद्दू की या खीरा जी? खीरा जिमीकंद है किसी के पास यहाँ पे? ये जिमीकंद वो 5 नंबर जी, 5 नंबर में। 5 नंबर के मुंशी कौन से हैं? ये जो टी शर्ट वाले ये जिमीकंद आपके पास है, आपका है? हाँ जी। अच्छा डी वाई शॉप नंबर 4 मिर्ची हमारी कितनी सुपर जा रही है। नींबू यहाँ पर देखिए आप मार्केट नींबू की, और देखते हैं नींबू का बाजार। सर नींबू का बाजार क्या चल रहा है आज? 150 रुपये। 150 रुपये काफी तेज बिक रहा है नींबू, लगातार रेट ऊपर जा रहा है। वैसे क्या वजह है जी? नींबू इस बार काफ़ी अच्छा रेट जा रहा है, काफ़ी ऊपर निकल रहा है रेट। गर्मी के अच्छा अच्छा गर्मियों का सीजन शुरू हुआ है तो इसलिए रेट बढ़ रहा है। सॉरी ये शॉप नंबर 4 है जी? ओके सर, स्वागत है किसान न्यूज़ पर आपका। आपकी डिमांड हमारे व्यूवर्स भी कर रहे हैं कि 4 नंबर डीवाई दिखाएं। आपके पास कौन कौन सी आइटम है और क्या क्या? मेन तो नींबू ही है। नींबू रहता है? नींबू का बाजार 150 है आज? 150 है, परसों 200 था। ओके आगे और बढ़ेगा? नहीं नहीं बढ़ेगा नहीं, अब कम ही रहेगा। कम रहेगा, क्या वजह है जी बाजार ऊपर उठने की इतना ज़्यादा? नींबू बाजार ज़्यादा उठने की वजह यह है, जो पिछले साल तूफान आया है उससे जो पेड़ गुजरात की फसल थी वो सारी खराब हो गई है, पेड़ उखड़ गए सारे। तो इस करके अब गुजरात के पेड़ जो है साल 2 साल में लगेंगे। गुजरात से 20 गाड़ी नींबू की रोज निकलती थी, जो अब 1 गाड़ी निकलती नहीं है। जिस करके नींबू जो है वो डिमांड से कम हो गई है। हाँ डिमांड से कम नींबू है, फसल कम है, इस करके नींबू महंगा है। कोई और आइटम भी जी आपकी?
और हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर और फंड नंबर शेयर कर दें, आप कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो। कॉन्टैक्ट नंबर है 9814144400। और मटर का यहाँ पर कोई कारोबार करता है जी? मटर का भी है, मटर बिक रहा है 40 रुपए किलो। मटर 40 रुपए किलो होलसेल रेट ये है? हाँ जी हाँ जी। कोई साथी हमारा 60-70 बता रहा था, मैं क्या कहूँ ये तो मुझे रिटेल में बिकता है, रिटेल का होगा वो रेट। चलिए तो 40 रुपए मटर है जैसा कि हमें यहाँ पर सर बता रहे हैं, 45 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए तो 40 रुपए मटर क्या बाजार आज का है जैसा कि हमें भाई साहब ने बताया। मुझे पहले ही थोड़ा अनुमान लग रहा था कि जो रेट मटर का बता रहे हैं वो रिटेल का हो सकता है, होलसेल का नहीं। और 40-45 यहाँ पर जो है वो रेट है। कटहल ख़राब हो चुका है, सड़ चुका है, ये देखिए आप। तो यहाँ पर नुकसान भी यहाँ पर सब्जियों का कारोबार करने वालों को उठाना पड़ता है, क्योंकि सब्जियाँ कई बार नहीं बिकती है। जैसा कि अरबी के मामले में हमें बताया गया, अरबी में किस तरह की दिक्कत थी। तो साथियों कैसा लगा आपको चंडीगढ़ का ये वीडियो? हालांकि आपको जितने आसानी से सोलन के रेट मिलते हैं उतनी आसानी से यहाँ पर चंडीगढ़ के रेट आपको नहीं मिले होंगे, ये मुझे भी लग रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है हमें इस लाइव वीडियो को करते और सही से रेट अभी भी मुझे लगता है नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कई जगह पर जो है वो आढ़ती खुद होते हैं, कई जगह पर यहाँ पर मुंशी होते हैं, और हमें यहाँ की अभी पूरी तरह से मार्केट की जानकारी नहीं है। ये देखिए आप, नींबू का यहाँ पर रिटेल चल रहा है, तो देखते हैं नींबू क्या रेट चल रहा है जी आपके पास? किलो 200 रुपए। 200 रुपए किलो? मंडी से तो 150 रुपए किलो आ रहा है। तो क्या रेट पड़ गया? क्या रेट पड़ गया? क्या रेट पड़ा नींबू से? 180 रुपए किलो ऊपर पड़ जाता है। अच्छा 180 है क्या ऊपर? यहाँ अंदर से बाहर लाने में कमीशन नहीं सर जी, 7% आड़त और ये दागी हल्का, ये कई रेट बिकता है ना वो दागी निकलता है। अच्छा अच्छा। और 5 किलो पराली हाँ, तो उसे टोटल मिला के जो लोग क्या रेट पड़ गया? चलो ठीक है, ये रिटेल का है वैसे भी काम, ये होलसेल नहीं है, होलसेल अंदर है। होलसेल अंदर परचून रहता है। तो ये 20-50 रुपए का जो फर्क रहता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो माल थोड़ा सा हल्का है उसको दागी है, छटनी किया गया है, दागी को अलग निकाला गया है, कमीशन भी इनके ऊपर लगता है। और कोई घास की काट नहीं है, घास के साथ तुल के आती है, घास की काट भी नहीं है जैसा कि भाई बता रहे हैं हमारे। हाँ जी हाँ। वजन में फर्क रहता है जी जी। तो साथियों यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ये बाहर के रिटेलर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा माल है तो आप इनको भी बेच सकते हैं, शायद अंदर से बढ़िया रेट आपको मिले, लेकिन बल्क में आपके पास क्वांटिटी है तो शायद अंदर बेचना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये छोटे रिटेलर्स हैं और इनके पास जो है वो ज़्यादा माल बेचने की क्षमता नहीं होती। हालांकि यूनियन आप अगर बात करें स्ट्रेंथ, क्योंकि ये सारे आपस में जो है वो कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, तो क्या पता बेहतर रेट आपको ये भी दे सके। बाकी आप यहाँ आकर बेहतर इस मार्केट को समझ सकते हैं, पूरा का पूरा राउंड आज हम इस मार्केट का लगा चुके हैं। और इस लाइव स्ट्रीम को मैं अब यहीं रोकता हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा एक बार फिर आप सभी लोगों से अपील, और मुझे लगता है कुछ एक आइटमें अभी भी रह चुकी होंगी जिनके रेट हम आपको नहीं बता पाए होंगे, क्योंकि चंडीगढ़ है भाई वो, अब सोलन का बाजार होता, सोलन के मंडे होते तो आपको हर एक आइटम के रेट जरूर आप तक पहुंचाते, लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ा मुश्किल रहता है जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। तो ये था चंडीगढ़ का बाज़ार, फिलहाल आज के लिए इतना ही, और जो भी परेशानी आप साथियों को हुई हो रेट आज के जानने में तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबा समय आपको देना पड़ा है रेट जानने के लिए। और एक ही अपील आप सभी साथियों से, एक ही दलील कि आप शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग, आप साथी जो है वो क्या चाहते हैं किसान न्यूज़ से। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।